हेलो एवरीवन, कल के वीडियो लेक्चर में हमने नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन के बारे में पढ़ा था और आज हम इसी मॉडल को एक्सटेंड करेंगे, आगे पढ़ेंगे। नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी या नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी और इस अप्रोक्सीमेशन में ये अंतर होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन में पोटेंशियल टोटली एब्सेंट होता है, पोटेंशियल जीरो होता है। लेकिन जब पोटेंशियल वीक होता है तो नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ली जाती है और इसमें पर्टर्बेशन कंसेप्ट को काम लेकर के एनर्जी वर्सेस के रिलेशन ज्ञात किया जाता है। द नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन, द क्रिस्टल पोटेंशियल इज अज्यूम्ड टू बी वीक इन कंपेरिजन टू द इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी। अंडर दीज कंडीशंस द अलाउड बैंड्स विल बी बोर्ड एंड द फॉरबिडन बैंड्स रिक्वाइर्ड नैरो। These circumstances are never perfectly realized in any actual crystal because the potential always goes to minus infinite at the ion cores. But for the outermost electron in many simple metals, the requirement is met fairly well over most of the volume of the crystal. Let Vx denote the potential energy of an electron in a linear lattice of lattice constant A. Then the Schrödinger equation for the electron d2 psi over dx square plus 2m over h cross square e minus v psi is equal to 0. Here vx is assumed to be small compared with the kinetic energy and this is the equation number 1. अब अगर हम v 0 लेते हैं तो ये जो Schrödinger equation है वो free electron के लिए हो जाएगी और उसके energy और eigen function हम ज्ञात कर सकते हैं। If v is equal to 0, then this equation describes a free electron with wave function phi k and energy e 0 k gives us. तो यहाँ पे हमने normalization condition को use करके इसकी phi k की value ज्ञात की है, जिस वो है 1 upon under root l e की power theta k x। ये equation number 2 होगी और energy value free electron के लिए h cross square k square over 2m. That is the wave functions are independent traveling plane wave and all values of k are allowed. Now consider that a small periodic potential is introduced. This will perturb the free electron wave function and energy. तो perturbation से क्या फर्क पड़ता है वो अपन देखते हैं। Since v is assumed to be small or weak, we may accept that each perturbed wave function is composed primarily of a single plane wave phi k. सो perturbed wave function correct to first order तब हम ज्ञात करेंगे तो साई के इज इक्वल टू फाइ के प्लस सिग्मा के डैश इज नॉट इक्वल के, और ये perturbation first order जो correct to first order term जो आएगी वो perturbation के कारण वो इस तरीके से होगी कि यहाँ पे ऊपर जो है v के जो बड़ा और नॉट डॉट कैट वैक्टर्स में लिखा गया है और नीचे e ज़ीरो k माइनस ई ज़ीरो के डैश फाइव के डैश, ये अपन फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं। इसको अगर हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का यूज़ करके और साई के की वैल्यू को रख लेते हैं तो 1 अपॉन अंडर रूट एल ई की पावर आइटा के एक्स और इधर आ जाएगा ई की पावर आइटा के डैश एक्स, और यहाँ पे ये जो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो ज्ञात की है जो कि इस तरीके से वी इधर साई फाई के और इधर फाई के स्टार डी एक्स, वन डायमेंशनल केस लिया है। द पटर्ब एनर्जी करेक्ट टू सेकेंड ऑर्डर, जो पटर्ब फंक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर लेंगे और एनर्जी जो है वो सेकेंड ऑर्डर लिया है। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू में जो टर्म आएगी वो इस तरीके से होगी। नाउ द पीरियोडिक पोटेंशियल इज एक्सप्रेसिबल एज ए फोरियर सीरीज, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वी उसको हम फोरियर सीरीज के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं, सिग्मा एन नॉट इक्वल जीरो वी एन ई की पावर टू एन पाई आयोटा एक्स ओवर ए, हियर एन इज इंटीजर। और इसी तरह से अगर हम वी के और के डैश में लिखेंगे तो यहाँ पे फाइव के और फाइव के डैश हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से टर्म आएगी। सिग्मा एन इज नॉट इक्वल जीरो वी एन ओवर एल, क्योंकि फाई के और फाई के स्टार दोनों के लिए लिखेंगे, और ई की पावर आयोटा माइनस आयोटा के डेस एक्स, ई की पावर माइनस टू एन पाई आयोटा एक्स ओवर ए और ई की पावर आयोटा के एक्स डी एक्स। यहाँ पे
इसको अगर एक्सपोनेंशियल टर्म के लिए हम इनको ऐड करेंगे तो ये बचेगा एक्सपोनेंशियल e की पावर माइनस आयोटा k डैश माइनस k प्लस 2n पाई ओवर a और ब्रैकेट के बाहर आएगा x। अब यहाँ पे इसको जो है एक्सपोनेंशियल टर्म में अगर k माइनस k डैश इज इक्वल टू 2n पाई ओवर a हो तब तो एक्सपोनेंशियल टर्म हो जाएगी जीरो और इसके कारण जो है इंटीग्रेशन हो जाएगा वन एल। सो ये जो है टोटल इंटीग्रेशन आ जाएगा वी एन और अगर नहीं हो तो उसके लिए वैल्यू के लिए जो है वो आ जाएगा जीरो। नाउ ये साई के और उसमें जो है एनर्जी की वैल्यूज़ में हम इसकी वैल्यू रख देंगे तो साई के इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट एल ई की पावर आइटा के एक्स बाहर आ जाएगा और वन प्लस सिग्मा एन इज नॉट इक्वल जीरो वी एन ओवर ई जीरो के माइनस ई जीरो के डेस और एक्सपोनेंशियल टर्म एस टी जाएगी। इट इज़ ईजी टू सी दैट दिस वेव फंक्शन हैज़ द ब्लॉच फॉर्म। ब्लॉच थ्योरम हमने पढ़ी है कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन है वो ई की पावर आइटा के एक्स और एक फंक्शन के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ पे जो यू फंक्शन है वो भी पीरियोडिसिटी की कंडीशन को शो करता है। तो इस टर्म्स में अगर हम लिखें तो यू के फंक्शन तो हमारा ये ब्रैकेट वाला सारा हो जाएगा और ई की पावर आइटा के एक्स अलग से आ जाएगा। द एनर्जी एक्सप्रेशन इज देन ये जो लिखेंगे एनर्जी की जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगी ई के इज इक्वल टू ई जीरो के डैश प्लस सिग्मा एन इज नॉट इक्वल जीरो वी एन का मोड का स्क्वायर ई जीरो के माइनस ई जीरो और जो एनर्जी की जो वैल्यू होगी के उसकी जगह लिखेंगे हम के माइनस टू एन पाई ओवर ए। दिस एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी इज सेटिस्फैक्ट्री ओनली इफ कब जब द फोरियर कोफिशिएंट वी एन टेंड्स टू जीरो रैपिडली एड एज एन इंक्रीजेज और द डिनोमिनेटर इज़ नॉट वेरी स्मॉल। अगर ये कंडीशन फॉलो करती है तब तो ये सेटिस्फेक्शन जो कंडीशन है एक एनर्जी की जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड होगी। अब जो बाद वाली कंडीशन है द डिनोमिनेटर इज़ नॉट वेरी स्मॉल द लेटर कंडीशन रिक्वायर्स दैट के स्क्वायर शुड नॉट अप्रोच टू वन ऑफ द वैल्यू ऑफ k माइनस टू एन पाई ओवर ए का स्क्वायर। अगर ये इसके बराबर हो जाएगी तो जो डिनोमिनेटर है वो जीरो हो जाएगा और जिसके कारण ek की जो सेकंड टर्म है वो इन्फाइनेट हो जाएगी। इन केस दिस हैपन अगर ऐसा होता है तब सेकंड टर्म इज इन फाई के विल रिमेन लार्ज एंड देन ek इज नॉट ए गुड अप्रोक्सीमेशन फॉर द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड अदर फॉर्म मस्ट बी एंड अनदर फॉर्म मस्ट बी यूज। नाउ वी फाइंड एन अप्रोक्सीमेट फॉर्म ऑफ द सोल्यूशन वैन k डैश इज इक्वल टू k माइनस टू एन पाई ओवर ए का होल स्क्वायर या k जो है इसको सॉल्व करेंगे तो अगर n पाई बाई ए अगर k की वैल्यू ये हो तो इस समीकरण का हल क्या होगा यानी वेव वेक्टर जो है जब जोन बाउंड्री के करीब हो उस समय इस एनर्जी करेक्शन क्या होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब इसके लिए जोन बाउंड्री के लिए अगर हम सोल्यूशन करें तो नाउ एट दिस वैल्यू ऑफ k पटब फंक्शन साई के इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट एल ई की पावर आइटा के एक्स और वन प्लस सिग्मा एन इज नॉट इक्वल जीरो वी एन ई जीरो माइनस ई जीरो के डेस एक्सपोनेंशियल माइनस टू एन पाई ओवर आइटा एक्स ओवर ए इज नो लॉन्गर वैलिड बिकॉज इट इज़ नाउ परमिटेड टू एज्यूम दैट वी एन अपॉन ई जीरो के माइनस ई जीरो के डेस इज स्मॉल कंपेयर्ड विद unity. The wave function in this case must arise from a superposition of incident wave propagating along x-axis and a reflected wave in the opposite direction. तो अगर हम इन दोनों को consider करें तो let phi k is equal to e की power iota kx bracket में a0 plus an e की power minus 2n pi iota x over a. Here a0 and an are the constants of the incident and reflected waves. Now from the Schrödinger equation, minus h cross square 2m d2 psi over dx square plus v psi is equal to e psi. ये ले लेते हैं हम और इसके लिए ये जो है values रख देते हैं किस किस की माइनस एच क्रॉस स्क्वायर टू एम डी टू साई तो जो साई फंक्शन है वो ऊपर हमने लिख रखा है और वी को हमने फोरियर सीरीज के रूप में लिख रखा है। अगर हम वैल्यूज इसमें रख देते हैं
तो ये वैल्यूज आएगी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 2m डी टू साई और डी एक्स स्क्वायर, और ये सारी वैल्यूज हमने इसको रख दी। अब इस इक्वेशन में देखो ब्रैकेट जो आ रहा है फर्स्ट, उसको x के सापेक्ष दो बार अवकलन करना है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे और ये जो e इज इक्वल टू ek ले लो, एच क्रॉस स्क्वायर 2m k स्क्वायर को e0 k ले लो, और एच क्रॉस स्क्वायर 2m k माइनस 2n पाई ओवर एक स्क्वायर इसको e0 k डैश ले लो, तो जो हमें समीकरण मिलेगी वैसे होगी जिसको हमने a0 an a0 और an ये चार ब्रैकेट के रूप में अलग अलग अरेंज किया है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई बाय e की पावर माइनस आयोटा के x एंड इंटीग्रेटिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू a। अगर हम ऐसा करेंगे तो सेकंड और थर्ड जो टर्म है वो तो हो जाएगी 0, अगर e की पावर माइनस आयोटा x करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू a तक, तो सेकंड और थर्ड टर्म हो जाएगी 0, और जो चौथी टर्म है वो 0 नहीं होगी, कब, जब n डैश इज इक्वल टू माइनस n o, तो उसके अलावा 0 हो जाएगी। ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो अगर हम इसे ऐसा रखेंगे तो फाइनल रिजल्ट ये आएगा, a0 के साथ में तो आएगा e0 के माइनस e0 ek प्लस an v की पावर माइनस n इज इक्वल टू 0। ये आप इस इक्वेशन को इसमें सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं। अब ये जो रिजल्ट हमें मिला है उसको हम ये जो v है इस ये v की पावर माइनस v के लिए सब्स्क्रिप्ट में माइनस n आ रहा है, इसको प्रूव करेंगे कि v स्टार के बराबर होगा। तो हमने ये इक्वेशन ली v की, और n की जगह अगर हमने माइनस n रखा तो इक्वेशन नंबर v मिल गई, और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं, और क्योंकि v जो है वो रियल है तो जो इक्वेशन नंबर a इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो ये मिलेगा, और इन इस इक्वेशन का इसका कंपेरिजन करते हैं तो v माइनस n इज इक्वल टू v स्टार। और अगर ऐसा है तो जो हमारी इक्वेशन नंबर एक थी वो इस इक्वेशन नंबर दो में इस तरीके से लिख ले सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारी इक्वेशन नंबर एक है उसको e की पावर माइनस आयोटा के डैश x से मल्टीप्लाई करें और इंटीग्रेशन करें जैसे हमने पहले किया था, तो हमें इक्वेशन नंबर तीन मिलेगी। अब जो इक्वेशन नंबर दो और तीन है वो उनको एक साथ सॉल्व करने के लिए ये ए जीरो और ए एन के लिए, तो एक नॉन वैनिशिंग सॉल्यूशन के लिए द डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशियंट्स ऑफ ए जीरो एंड ए एन मस्ट वैनिश, तो ये इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे और इसको जीरो के बराबर करेंगे। इसके कारण हमें एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, और इसमें जो वी एन स्टार है इसको मोड ऑफ वी एन का स्क्वायर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सॉल्व करने पर हमें एनर्जी की ये वैल्यू मिल सकती है ई के की। ये इक्वेशन नंबर 6 है, आप इसको अच्छे से सॉल्व करके देख सकते हैं। अब जोन बाउंड्री के निकट जब k इज इक्वल टू n पाई बाई, ये जोन बाउंड्री पे ले लेते हैं एट द जोन बाउंड्री, ये इक्वेशन नंबर 6 है, जब k इज इक्वल टू n पाई बाई ए रखेंगे तो इस इक्वेशन में बदल जाती है ek इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर 2m k स्क्वायर प्लस माइनस vn, और इसको हम e0 एट n पाई बाई ए और प्लस माइनस vn लिखते हैं। यहाँ फर्स्ट टर्म जो रिप्रेजेंट कर रही है फ्री पार्टिकल एनर्जी एसोसिएटेड विद द जोन बाउंड्री, स्टैंडिंग वेव्स हैविंग डिफरेंट एनर्जीज आर सेटअप सो इक्वेशन 7 शुड बी इंटरप्रिटेटेड एज गिविंग द एनर्जी ऑफ दीज स्टैंडिंग वेव्स, तो इन दोनों जो एनर्जी है एक बार प्लस लेंगे और एक माइनस लेंगे तो एनर्जी के अलग अलग वैल्यू लेंगे और इनका जो डिफरेंस होगा वो इनका गैप शो करेगा एनर्जी गैप को। सो एनर्जी गैप कितना होगा, तो एक बार हमने प्लस वी एन लिया और एक बार माइनस वी एन लिया, इन दोनों को सबट्रैक्ट करने पर कितना आता है 2vn सेंटर्ड अबाउट द एनर्जी वैल्यू एच क्रॉस स्क्वायर 2m k स्क्वायर और एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m n पाई बाई ए का स्क्वायर एट अदर वैल्यूज ऑफ k द एनर्जी इज कंटिन्यूस। इस फिगर को देखते हैं हम, ये जो हमने ग्राफ बनाया है तो इसको ध्यान से देखें कि e वर्सेस k कर्व है और जोन बाउंड्री के निकट पाई बाई ए 2π/a 3π/a तो इसमें डिसकंटिन्यूटी है और इसके अलावा वो कंटिन्यूस है, और जो बैंड गैप है वो 2vn के बराबर है। एनर्जी की वैल्यू फर्स्ट अलाउड बैंड के लिए और सेकंड अलाउड बैंड के लिए थर्ड अलाउड बैंड के लिए शो की गई है, और ये जो ई वर्सेस के कर्व है इसमें जो NF कंटिन्यूस लाइन है वो नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के अकॉर्ड है, जो डॉटेड लाइन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के अकॉर्डिंग है, और ये जो डेविएशन आ रहा है वो पर्टर्बेशन के कारण है। नाउ व्हेन के इज क्लोज टू जोन बाउंड्री तब तो एनर्जी वर्सेस के रिलेशन ये वाला है, और जब दूर है के एनर्जी व्हेन के इज सफिशिएंटली अवे फ्रॉम द जोन बाउंड्री तब हमारा रिलेशन ये है। इसका मतलब दिस कंसिडरेशन लीड अस टू इस रिलेशन बिटवीन ई एंड के
जो कि हमने फिगर में शो किया है. वी ऑब्जर्व दैट द एसेंशियल फीचर ऑफ द कर्व आर ऑलमोस्ट द सेम एज ऑब्जर्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ द केपी मॉडल. यानी हम देखते हैं कि हमने जो इस फिगर से और इन इक्वेशन से कि इनके एसेंशियल फीचर जो है इस फिगर के वो क्रोनिग पेनी मॉडल के ही इक्वल है, और इसमें जो एनर्जी गैप है या जो जोन बाउंड्री के निकट उसकी वैल्यू 2vn के बराबर है. अब हम जो अगला वीडियो लेक्चर देखेंगे नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के एप्लीकेशंस, थोड़े से हम इसको डिस्कस करेंगे.